गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। वी हैव लर्नड अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज आर एडजेक्टिव्स दैट क्वालिफाई ए नाउन बाय पॉइंटिंग टू इट। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्या। फिर आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बताऊंगी और फिर उनके डिफरेंस के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से आप उसको पता लगा सकते हो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्यों है। तो उसको क्लियर करने के लिए पहले वन बाय वन मैं आपको बता देती हूँ कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है। पहले भी हम ये सब कर चुके हैं, पर अभी एक बार दोबारा से आपको क्लियर हो जाए उसके लिए मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर है क्या, देखो दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अंदर बेटा आप जब देखोगे कि जो भी हमारा सेंटेंस होगा डेमोन्स्ट्रेटिव के, मैंने आपको बताए थे कि दिस दैट दीज दोज, ये वर्ड्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि भाई ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे हैं उसको जानने के लिए देख लेते हैं कि जब भी हमें सेंटेंस में किसी भी नाउन के पहले दिस लग जाता है तो वो हमें क्या करता है, वो क्वालिफाई करता है, बताता है कि भाई ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्योंकि किसी बुक के बारे में बता रहे हैं कि ये बुक, ठीक है, यह बुक, वह बुक, या ये बुक्स, वो बुक्स, ठीक है। इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का हमें पता चलता है, जैसा कि अभी बताया भी था कि दीज आर द एडजेक्टिव्स दैट क्वालिफाई ए नाउन बाय पॉइंटिंग टू इट। तो नाउन को जब क्वालिफाई करता है तो हमें पता लग जाता है कि यह है क्या। अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस के अंदर देखो, दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो यह बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, कौन सी बुक, यह बुक। तो दिस बुक जब भी किसी भी नाउन के साथ दिस लगा होगा तो वो क्या होगा, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस देखिए, दिस कॉफ़ी मग बिलोंग्स टू रितु। ये कॉफ़ी मग जो है वो रितु का है, तो दिस कॉफ़ी मग। अब दिस कॉफ़ी मग देखो नाउन के साथ दिस लगा है तो इट मीन्स ये क्या है, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। थर्ड है हमारा एग्जांपल, प्लीज़ ब्रिंग मी दोज फाइल्स। प्लीज़ मुझे वो फाइल ला दो, यानी कि ये फाइल्स जो हैं मुझे ला दो। तो यहाँ फाइल्स क्या है, हमारा नाउन है और दोज इसके साथ लग गया तो ये बन गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, ये दोज जो है, ठीक है। नेक्स्ट है दिस फ्रूट इज़ वेरी स्वीट, कि ये जो फ्रूट है, जो भी फ्रूट उसके सामने पड़ा होगा उस फ्रूट की तरफ इशारा करके वो क्या बता रहा है, दिस फ्रूट इज़ वेरी स्वीट। तो यह अब जो फ्रूट जो है वो नाउन है और उससे पहले हमने लगा दिया डेमोन्स्ट्रेटिव, तो ये उसकी एडजेक्टिव बन गई कि कौन सा फ्रूट, ये वाला फ्रूट, दिस फ्रूट। तो इस तरीके से आपने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को तो जान लिया, लेकिन अब साथ में ही मैं आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बता देती हूँ। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो हैं ये हमारे कैसे आप पहचान पाओगे, डेमोन्स्ट्रेटिव में तो वही दिस दैट दीज दोज लगते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव के तो चार ही वर्ड्स हैं हमारे पास, दिस दैट दीज और दोज। लेकिन ये प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को कैसे जानेंगे, तो इसमें देखिए दिस इज़ ए फ्रूट। जब भी कोई भी हमारा जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड होता है जैसे दिस दैट दीज दोज, ये जब किसी नाउन के साथ अगर बदल जाते हैं, अगर बदलने के बाद उसका करेक्ट मीनिंग निकले तो इट मीन्स ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे कि दिस इज़ ए फ्रूट, दिस इज़ ए फ्रूट। अब इसके अंदर देखो दिस इज़ ए फ्रूट, यह एक फ्रूट है, लेकिन अगर हम इस दिस को अगर किसी नाउन से बदल देते हैं, मान लो हमने बदल दिया एप्पल से, ठीक है, मान लो हमने एप्पल से बदल दिया तो एप्पल इज़ ए फ्रूट, बिल्कुल करेक्ट हमारा जो सेंटेंस है वो बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही सेकंड देखते हैं, दैट इज़ माय पेट,
मान लो अब दैट की जगह अगर हम इसको चेंज कर दें कैट से, तो कैट इज माई पेट, तो कोई गलत नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, दोज आर माई बुक्स, कि वो जो किताबें पढ़ी हैं वो मेरी हैं। ठीक है, तो दोज को किससे बदल सकते हैं? जैसे इंग्लिश, हिंदी आर माई बुक्स, ये हो सकता है ना, इंग्लिश और हिंदी दो सब्जेक्ट से जो है मिलके हमारा जो है दोज दोज क्योंकि ज़्यादा के लिए रहता है, तो इंग्लिश एंड हिंदी आर माई बुक्स, तो दीज बुक्स जो भी बुक्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश की हैं। या फिर इसकी जगह आप बदल के आप कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे किसी भी बुक का नाम हो सकता है, नाम से भी ये चेंज हो सकता है, जैसे द फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट सागर आर माई बुक्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमारा नाउन से वो चेंज हो गया, दिस एंड दीज दो जो भी होता है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट में देखो, दीज आर मनुज सॉक्स, कि जो वो सामने किताबें पढ़ी सॉरी जो सॉक्स पढ़ी हैं, जुराबे पढ़ी हैं, वो मनु की हैं। तो ब्लू भी आ सकता है, कलर कोई बता सकते हैं, या कॉटन की हो सकती हैं वो, तो उसको किससे चेंज कर सकते हैं हम, दीज आर मनुज सॉक्स को। हेयर आर सम मनुज सॉक्स, इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर हम इसको किसी और भी चीज़ से चेंज कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी दिस दैट दिस दोज को किसी भी नाउन या नाउन से अगर हम चेंज कर देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, हमारा तो इससे आपको पता चल ही गया होगा कि इस तरीके से जब भी हम दिस दोज दैट दिस को जब हम चेंज करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा वो हमारा। ठीक है, तो इसके बाद हम इसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि किस तरीके से हम डिफरेंस इसमें कर सकते हैं। तो डिफरेंस के लिए देख लेते हैं एक बार, दोज चिल्ड्रन आर नॉटी, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको देख लेते हैं एक बार। जैसे दोज चिल्ड्रन आर नॉटी, अब ये सेंटेंस भी यही है और नेक्स्ट जो हमारा है वो भी हमारा वही है, लेकिन उसमें कुछ चेंज है। फर्स्ट में है दोज चिल्ड्रन आर नॉटी, लेकिन सेकंड वाला है दोज आर नॉटी चिल्ड्रन, मतलब दोनों का सेम है लेकिन उनको लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर क्या है, दोज चिल्ड्रन आर नॉटी, मैंने बताया था जब भी नाउन या किसी भी नाउन के साथ अगर दीज दोज दिस दैट जो भी अगर लगा है, डेमोन्स्ट्रेटिव लगा है, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव तो है ही, और अगर नाउन के साथ लग गया तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया, तो ये हमारा क्या बन गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और जब हमारा जो है नाउन से दूर होता है दिस दैट दीज दोज, जब भी हमारे किसी भी नाउन से दिस दैट दीज दोज जो है वो साथ नहीं है, दूर है, तो वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये इजी वे है, आप अगर सोचो कि भाई थोड़ा टफ ना हो, तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड है हमारा कि हम किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको लगे कि नाउन के साथ दिस दैट दीज दोज है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, और जहाँ पे भी दोज
दिस दैट दिस जो भी है वो अगर नाउन से दूर है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर वो किसी नाउन से डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड जो है वो किसी नाउन से अगर चेंज हो जाता है तो वो हमारा क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दीज आर नॉटी बॉयज़ की जगह अगर राम एंड श्याम, आर नॉटी चिल्ड्रन, तो इससे भी एक सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो जब भी किसी नाउन से अगर चेंज हो जाता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव तो वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। और जब भी किसी नाउन के साथ अगर डेमोन्स्ट्रेटिव है तो इट मीन्स वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, दोज आर माई बुक्स, दोज आर माई बुक्स, तो दोज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव है, अब बुक्स से दूर है, ठीक है, नाउन क्या है हमारा, बुक्स है, और बुक्स से ये दूर है। तो ईजिएस्ट मेथड में सीधे सीधे ये हमें पता चल रहा है कि ये क्या कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। अब फोर्थ है, दोज बुक्स आर माइन, अब बुक्स के बिल्कुल साथ लग गया डेमोन्स्ट्रेटिव, तो ये क्या बन गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे, इससे ज़्यादा डिफ्रेंशिएट अगर करना हो तो नहीं कर सकते आप कि इससे और इजी मेथड हो। सो अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से फिर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका जो भी क्वेरी होगी उसको बहुत अच्छे से दूर करूँगी। थैंक यू।